बटालियन तरफ विश्व ड्रग सचेतनता शोभायात्रा विश्व ड्रग अपव्यवहार विरोध दिवस पालन अवसर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बाहिनी 199 बटालियन तरफ सचेतनता शोभायात्रा अनुष्ठित हो जिला मुख्य पशु चिकित्सालय बाहरी कॉलेज छक स्थित कल्याण मंडप पर्यंत शोभायात्रा जाइथिला। बटालियन कमांडेंट पवन कुमार तिवारी एथिरे मुख्य अतिथि भाबे जोगदे उद्घाटन करथिले। ड्रग रो अपव्यवहार बा निशा सेवन द्वारा आज युवपीढ़ी कबलित अपराधर रास्ता अपनाउछंती तेणु निशा सेवन बंद करने सचेतनता सृष्टि करने निमंत शोभायात्रा आयोजन खपराखोल एक शोभायात्रा कार्यक्रम वार्ड नंबर 2 रो काउंसलर सरिता दास पूर्वतन सैनिक संघर संपादक प्रताप चंद्र रथ आईटीआई कॉलेज छात्र और स्थानीय महिला मानी जोग देथिले। मैं सीआरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार तिवारी बलंगीर आज हम इस अवसर पर इकट्ठे हुए हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। इस दिवस के पहले हमने पिछले 2 हफ्ते से कई जगहों पर कार्यक्रम रखे जैसे खपराखोल हरिशंकर और बरगढ़ में 4-5 जगह रखे और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जनता जागरूकता पैदा करना कि नशा करना उनके लिए खतरनाक है, कितना उससे भविष्य डूबता है, कितना उनका नुकसान होता है, स्वास्थ्य का नुकसान, सामाजिक नुकसान और उनके भविष्य का नुकसान। तो इस नुकसान को हम कम करने के लिए, हम उनको कंट्रोल करने के लिए, हम उनको सही दिशा दिखाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। हम इकट्ठे होकर यह संदेश देंगे दुनिया में जनता को कि यह ड्रग लेना बिल्कुल नाजायज है, गलत चीज़ है, इससे दूर रहें, इससे बचें और अपने उज्जवल भविष्य को बनाएं। मैं युवाओं को आह्वान करूंगा कि ये सब जितने क्राइम करते होते हैं, जितने क्राइम किए जाते हैं, इसका मुख्य जड़ ड्रग्स ही होता है। क्योंकि इंसान में कई सारी समस्याएं आती हैं, जीवन में ऊंच नीच होती है, लेकिन ऊंच नीच को दूर करने के लिए ये शॉर्टकट का रास्ता ड्रग लेना सब लोग अपनाते हैं कुछ लोग, तो ये गलत है। ड्रग लेने से कोई भी समस्या हल नहीं होती। अपना परिश्रम करें, अपना मेहनत करें, मेहनत से अपनी समस्या को दूर करें, ना कि ड्रग्स का सहारा लें। बलांगीर गुप्तेश्वर पृष्टि का रिपोर्ट, विश्व विजय न्यूज़, ओडिशा।